ओके, सो व्हाट यू ऑल हैव टू डू इज अपने, आई होप सबने लैपटॉप या पीसी से लॉग इन किया, बिकॉज यू विल यूज योर सेलफोन्स फॉर द क्विज. तो सब लोग अपने सेलफोन पे मेंटीमीटर टाइप करो इन द गूगल क्रोम और वट एवर यू आर यूजिंग मेंटीमीटर. एंड उसमें मेंटीमीटर में द वेरी फर्स्ट थिंग विच विल कम इज द कोड. वो आपसे कोड पूछेगा. सो आई विल गिव द मीटिंग कोड इन द चैट बॉक्स. आप मीटिंग कोड आपको डालना है, ऑल ऑफ यू, एंड मेक श्योर आप लोग अपना नेम डालो उसमें. द नेक्स्ट थिंग विच इट विल आस्क यू इज योर नेम. अगर आप लोग अपना नेम्स नहीं डालोगे, अगर आप लोग अपना नेम्स नहीं डालोगे तो इससे हमें समझ में नहीं आएगा दैट हु इज विनिंग द क्विज, राइट? वील वेट फॉर 2-3 मिनट्स मोर फॉर एवरी वन टू ज्वाइन इन. तब तक आप लोग, सब लोग मेक श्योर आप लोग ज्वाइन इन करो. वी हैव पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी ज्वाइनिंग इन. आई विल शेयर माई स्क्रीन देन. अक्षत, हर्षिका, आयुष, प्लीज स्विच ऑन योर कैमराज. Those who have joined अभी, please search for Mentimeter and जो सबसे पहला login आएगा, you have to just log in into that, click on the link and आपको पूछेगा code, meeting code. So I have sent the code in the chat box. Again, I will send it. आपको ये code डालना है and then you have to give your name. Make sure you give your name. Maybe the first name only or the full name, so that we know who is winning the quiz. Let us wait for 2 minutes. Sab log join kar le and then I will discuss the rules. सबका लॉग इन हो रहा है ना, सबका मेंटीमीटर पे. जिसको अगर इशू हो रही है मुझसे पूछ लो, सो दैट सब लोग रेडी हो जाओ. एवरी वन ऑफ यू, आर यू एबल टू डू इट? आई विल वेट. अभी तक आई हैव 7 पार्टिसिपेंट्स ओनली. यहाँ पे वी हैव अराउंड 14, जिसमें से 1, 2, 3, सो वी एटलीस्ट शुड हैव 11 पार्टिसिपेंट्स. आई जस्ट हैव 7 पार्टिसिपेंट्स अभी तक. mentimeter.com में लॉग इन किया, उसके बाद लाइक माई प्रेजेंटेशन नहीं, इंस्पिरेशन. लॉग इन नहीं करना है, लॉग इन वाले में नहीं करना है. आई विल सेंड द लिंक, आई विल सेंड द लिंक. लॉग इन में नहीं जाने. यू जस्ट हैव टू, मैं बता रही हूँ, 1 सेकेंड. जस्ट टाइप मेंटीमीटर. जस्ट टाइप मेंटीमीटर, www.menti.com में भेज रही हाँ, हूँ. आया ना कोड के लिए पूछा ना, दिस इज द लिंक, दिस इज द लिंक. कोई भी एक जन प्लीज ग्रुप में भेज दो ना कोड, द लिंक एंड द कोड.
ऑल्सो प्लीज सेंड द लिंक menti.com सो दैट जो भी नए ज्वाइन करे दे कैन ज्वाइन इन एंड देन वील स्टार्ट. नाउ वील स्टार्ट. सो आई जस्ट स्टार्ट शेयरिंग माई स्क्रीन. ओके. आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू. करेक्ट. ठीक है. सो क्विकली द रूल्स. सो वी हैव 10 पार्टिसिपेंट्स. हमारा रूल्स क्या होगा? हर एक क्वेश्चन, देर आर 25 क्वेश्चन. दीज आर फ्रॉम द फर्स्ट 5 चैप्टर्स ऑफ CB2. ओके, वी हैव वन मोर पार्टिसिपेंट. तो सबके, आई होप सबने नाम दे दिया है. अगर किसी को अभी भी प्रॉब्लम हो रही है ज्वाइन करने में, यू ऑल कैन लेट मी नो. दिस इज द कोड गिवन. नाउ इन योर सेलफोन जहाँ पे आपने लॉग इन किया है जिससे, तो वहां पे आपके क्वेश्चन आएंगे एंड ऑप्शन आएंगे. यू हैव टू सिलेक्ट द ऑप्शन. एवरी क्वेश्चन हैज अ टाइम लिमिट. मे बी इट इज 25 सेकेंड्स. कुछ क्वेश्चन के 15 सेकेंड्स है, कुछ क्वेश्चन के 30 सेकेंड्स है, कुछ क्वेश्चन के 20 सेकेंड है. सो इट्स रेंजिंग बिटवीन 15 to 30 सेकेंड्स, 35 सेकेंड्स, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन लेंथ. राइट. अब ऑब्वियसली जो सबसे करेक्ट आंसर मार्क करेगा या फिर करेक्ट आंसर सिलेक्ट करेगा विल गेट फुल पॉइंट्स और विल गेट गुड पॉइंट्स. एंड उसके साथ साथ देर इज वन मोर थिंग ओवर हियर दैट जो सबसे फास्ट आंसर करेगा, जो सबसे फास्ट आंसर करेगा दैट पर्सन ऑल्सो विल गेट द हायर मार्क्स. फॉर एग्जाम्पल क्षितिज एंड मुस्कान दोनों सेम आंसर, दोनों करेक्ट आंसर करें, बट मे बी मुस्कान इज आंसरिंग फास्टर, तो मुस्कान को ज्यादा मार्क्स या ज्यादा पॉइंट्स मिलेगा दैन क्षितिज. राइट. सो दिस इज हाउ इट वर्क. यू विल ऑल्सो गेट द स्कोर फॉर answering the question fast, right? Can we start? Anyone else joining in? किसी ने कुछ लिखा है chat box में या group में? Or else I will start. Just let me check the group. Okay. So the moment I start the quiz, अगर किसी को भी problem है तो बोल दो, फिर बीच में quiz नहीं रुकेगा. Any problem? हाँ. एक बार आप फिर से रिपीट करो ना, मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था इतना देर से. एक छोटा सा मतलब जस्ट में बता कुछ दूंगा. कुछ नहीं है, जस्ट यू हैव एमसीक्यू क्वेश्चंस, टाइम बाउंड क्वेश्चंस है. 15 सेकंड्स टू 25 30 सेकंड्स 35 सेकंड्स के टाइमर वहां पे चलता रहेगा. सो यू विल नो. सो यू विल गेट ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस. कोई चारों में से कोई भी एक ऑप्शन ऑब्वियसली करेक्ट है विच यू हैव टू सिलेक्ट. एंड यहाँ पे फास्ट, जैसे वो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट नहीं होता था केबीसी में, वैसा ही है कि जो यहाँ पे फास्ट आंसर करेगा फास्टेस्ट उसको ज्यादा पॉइंट्स मिलेगा. फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल लिया कि क्षितिज और मुस्कान दोनों सही आंसर दे रहे हैं, बट अगर मुस्कान फास्टर आंसर दे रही है क्षितिज से, सो उसको ज्यादा पॉइंट्स मिलेगा क्षितिज से. सो नॉट ओनली करेक्ट मार्क्स, करेक्ट आंसर, बट ऑल्सो द टाइम, कौन फास्टर आंसर कर रहे हैं. क्लियर. एंड इट इज फर्स्ट 5 चैप्टर्स ऑफ CB2. जैसे मैंने सबको बोला, आई होप ऑल ऑफ यू आर प्रिपेयर्ड. इट विल बी सुपर ईजी अगर आपने पढ़ा है ऑब्वियसली, एंड इट्स बी रियली फन. सो वंस आई एंटर द, वंस आई स्टार्ट द क्विज, बीच में रुकेगा नहीं. शुड आई स्टार्ट? ओके, ग्रेट, आई होप. हाँ, एक चीज और, वैसे जरूरी नहीं है, बट अगर नहीं लेके बैठे हो पेन पेपर लेके बैठ जाओ. अगर आप नहीं लेके बैठे हो तो कैलकुलेटर भी ले सकते हो, बट कैलकुलेशन आर वेरी सिंपल. अगर जिसको कैलकुलेशन में दिक्कत होता है, आई एम गिविंग यू 1 मिनट. पेन पेपर कैलकुलेटर लेके बैठो. वैसे जरूरत नहीं है, बट if you all want to. Okay, I have one more participant. Ready? Start kare. Start kare. Okay, great. Please sab log apna camera on rakho so that I can interact with you all. Okay, great. So I'm just clicking the enter button and we are starting the quiz. So we get the answer. So the very first question is, if good X and Y are substitute, an increase in the price of good X causes these 4 options. 13 seconds to go. आपको अपने फोन में आंसर, करेक्ट आंसर देना है. 3, 2, and 1. Time's up. सबने आंसर किया. सो सबने आंसर किया है 8. People have answered this question correctly. 2-3 लोगों ने गलत किया है. If good X and Y are substitutes, increase in the price of good X will cause
the quantity demanded of Goodex to fall and the demand curve of Y will shift to the right. Obviously, price of Goodex, तो Goodex का quantity कम होगा and ये दोनों substitutes हैं, तो there will be a shift in the demand curve of Y. ठीक है, ये जो तीन लोग हैं गलत, right? So let's see किसने ये answer सबसे fastest and correct answer किया है. And the winner is Anushree. Anushree ने fastest answer किया है and correct answer किया है. Very good. Congratulations, Anushree. This is your first question and you are leading. Make sure you maintain this. अगर आपको end तक जाने, because generally I've seen in the quiz जो starting में first आते हैं वो end में नहीं आ पाता. So you have to maintain this. Okay. Next we have Mehek and then we have Shitij. Okay, so these are the top three. Isha, Muskan and Ayush. Maybe you all... Okay, Isha and Muskan ne galat answer take kiya. I don't know why. Kyun aisa ho raha hai Muskan aur Isha? Please improve yourself. Study nahi kiya, matlab maine aise join kiya hai but padha nahi hai. Nahi nahi nahi, ye sare ye please. Matlab pehle padha tha, revise nahi kiya. Nahi nahi nahi, galat baat. Ye sab please mat bolo unmute karke. Ye sab unmute karke mat bolo. पॉजिटिविटी बना के रखो प्लीज. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखते हैं, अभी तो 24 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्विकली, द डिमांड इक्वेशन फॉर गुड एक्स इज 15 माइनस 0.5 पी एंड द सप्लाई इक्वेशन इज 3 प्लस 2 पी, वेयर पी इज द प्राइस. व्हेन द प्राइस इज $6, देयर विल बी अ फोर ऑप्शंस, 30 सेकंड्स टू गो. वेरी सिंपल, टाइम बहुत ज्यादा ही दे दिया मैंने इसके लिए. Ten seconds to go. Seven people have answered. Eight. Chalo, chalo, chalo. And the time's up. Time is up. Chalo, dekhte hain. What is our correct answer? And the correct. Oh. Itna close competition. Aisa kaise ho gaya? So, ye hamara good X ka demand equation hai, and ye hamara supply equation hai. And price is 6. Surplus of good X and the price will fall. Surplus of good X and the price will rise. Char logo ne dono answer kiya and this is the correct answer. So let me just discuss this answer, this question. Ye hamara demand equation hai. Ye hamara supply equation hai. And agar aap in dono mein price daloge, to aapka demand price is 6. तो आप यहाँ पे डालो आपका 15 माइनस 3, दैट इज योर डिमांड. एंड अगर सॉरी यहाँ पे 6 डालोगे, दैट इज योर सप्लाई. सो यू कैन कंपेयर द डिमांड एंड सप्लाई. तो यहाँ पे वी हैव 6 पीपल रॉन्गली आंसर्ड एंड वी हैव 4 पीपल करेक्टली आंसर. लेट्स सी किसने सही से आंसर किया एंड उसको बोलेंगे ये क्वेश्चन समझाने. सरप्लस ऑफ गुड एक्स एंड द प्राइस विल फॉल. अगर सरप्लस होता है तो प्राइस विल फॉल, राइट? इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर है हमारा प्राइस, इसीलिए सरप्लस है. सो लेट्स सी. ओके, सो वी हैव आई थिंक महक इज द फास्टेस्ट. वेरी गुड महक, बताओ कैसे किया. देखा, मैंने बोला था अनुश्री, मैंने बोला था यही होता है. मुस्कान अभी भी 0 पे है. क्या हो गया मुस्कान, जल्दी. मैंने स्टार्टिंग में मुस्कानों को ज्यादा ही तारीफ करी एक्चुअली. महक, कैन यू जस्ट एक बार अनम्यूट करो खुद को एंड बताओ कैसे किया ये क्वेश्चन सॉल्व. डिमांड एंड सप्लाई कल कर गिवन थे ना, तो प्राइस दे रखा था, क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाईड निकाल के सरप्लस होते. सरप्लस आ रहा था, क्वांटिटी सप्लाई ज्यादा आ रहा था देन क्वांटिटी डिमांडेड, राइट? सो दिस वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. अब अगर कोई बोलेगा कि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था तो मैं कुछ नहीं बोल सकती. देख लो महक और अनुश्री, आप लोग का पॉइंट्स ऑलमोस्ट सेम है, तो अब डिसाइड करेगा आगे के क्वेश्चंस. मुस्कान, यू कैन स्टिल कम अप एंड जो लीडर बोर्ड में नहीं दिख रहे
जिन लोगों का यहाँ पे नामो निशान नहीं वो भी आ सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन में. यू हैव 23 क्वेश्चन टू गो. सो मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन क्विकली. The price elasticity of demand for beer is minus 2. If beer increases in price by 15%, the quantity demanded falls by how much? 20 seconds to go. ऐसा नहीं कि जल्दी करने के चक्कर में गलत कर दिया, ये मत कर देना बस. ओके, छह लोगों ने आंसर कर दिया है. ग्रेट, सबने आंसर कर दिया. मैंने ज्यादा टाइम दे दिया. एवरीवन हैज वोटेड. वेरी गुड. 30% इज द करेक्ट आंसर. क्या होता है ये जिसने भी तीन लोगों ने किया ना, आप शायद भूल चुके हो इलास्टिसिटी कैसे निकालते हैं. परसेंटेज चेंज बाय परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस होता है. तो 15% एंड इट इज माइनस 2, सो 30% चेंज इन हुआ क्वांटिटी. क्लियर? इतना सिंपल. मैंने कुछ ज्यादा ही टाइम दे दिया इस क्वेश्चन के लिए. नेवर माइंड, लेट्स सी अभी कौन लीडर बोर्ड में है, कौन फर्स्ट आ रहा है, देखते हैं. क्या महक कभी भी फर्स्ट है या अनुश्री फर्स्ट है या कोई और? अच्छा, ओके. सो महक इज द फास्ट. महक कोई चीटिंग कर रहे हो क्या? कुछ ऐसा नहीं, पक्का? ठीक है. सो महक इज द फास्टेस्ट अगेन इस क्वेश्चन में. अरे ऐसा कैसे हो सकता है इतने सारे लोग में? और ये कौन है डॉक्टर सेंटीपीड, ये कौन है? अगर मैंने मैंने बहुत जल्दी जल्दी रजिस्टर कर दिया, मैंने नाम भी डाला अपना. ठीक है, कोई बात नहीं. डॉक्टर सेंटीपीड, आप इसी स्पीड से भरते रहो. पहले आप लीडर बोर्ड में नहीं थे. ठीक है, मुस्कान, मुस्कान ने सही आंसर किया. शी इज देयर नाउ. ओके, सो लेट्स सी कैसे मेंटेन रहता है. ये फर्स्ट तीन तो अभी भी वैसे ही मेंटेन्ड है. यार और 22 क्वेश्चंस हैं, इनको तोड़ो तीनों को. चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन. इफ द डिमांड एंड सप्लाई फॉर अ कमोडिटी बोथ इंक्रीज एट ईच प्राइस, द मार्केट प्राइस विल टेंड टू. बोथ डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीजेस, मार्केट प्राइस में क्या अफेक्ट होगा? 3, 2, and 1. ओके, वी हैव 10 पीपल आंसरिंग द क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर इज बी. इन डिटरमाइन नहीं कर सकोगे ना कैसे, रिमेन अनचेंज्ड नहीं बोल सकते, राइज नहीं बोल सकते, बिकॉज डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीज हो रहा है. कितने रेट से इंक्रीज हो रहा है हमें नहीं पता ना, कि डिमांड ज्यादा इंक्रीज हो रहा है क्या सप्लाई से. जो बच्चे लाइव क्लास अटेंड करते हैं ना, वो ये सब आंसर्स एकदम पक्का से कर पाएंगे, क्योंकि मैंने क्लास में इस बारी बहुत अच्छे से समझाया था कि इंक्रीज इन प्राइस इंक्रीज इन डिमांड सप्लाई, डिक्रीज इन डिमांड सप्लाई का अफेक्ट ऑन प्राइस क्या होता है. राइट, सो इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड वाई, बिकॉज आपको पता नहीं कि डिमांड एंड सप्लाई कितने से चेंज हुआ है. आपको ये नहीं पता कि डिमांड ज्यादा इंक्रीज हुआ है सप्लाई से या सप्लाई ज्यादा इंक्रीज हुआ है. अगेन लेट मी जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन, जिन्होंने भी सही आंसर किया. सो ओनली 5 पीपल हैव आंसर्ड. वेरी पुअर, दिस इज वेरी 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 पुअर. क्वेश्चंस आर नॉट दैट डिफिकल्ट कि इतना मुझे कम मिल रहा है. लेट्स सी किसने सही आंसर किया है. अगेन वी हैव महक आंसरिंग द फास्टेस्ट. वेरी गुड महक, वेरी गुड, वेरी गुड. मैं जस्ट टेल मी वन थिंग, अगर प्राइस, अगर डिमांड इंक्रीज होता है तो प्राइस क्या होता है? डिक्रीज. हम इंक्रीज का बात कर रहे हैं, डिमांड इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज. प्राइस इंक्रीज और सप्लाई इंक्रीज, तो प्राइस डिक्रीज. प्राइस डिक्रीज, तो हम बोल नहीं सकते ना कि इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा. इट विल डिपेंड ऑन द क्वांटिटी विद व्हिच डिमांड इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. राइट, अभी भी ये फर्स्ट तीन इंटैक्ट है. क्षितिज एंड महक पे मोर देन 1000 पॉइंट्स का डिफरेंस है. तो क्षितिज अगर जीतना है तो सुपर फास्ट होना पड़ेगा. क्लियर? अनुश्री अभी भी, सो महक ने काफी अच्छा लीड ले लिया है. अभी होप करो कि कमिंग क्वेश्चंस में फास्टेस्ट नहीं आंसर करे, तभी आप लोग आगे बढ़ सकते हो. करेक्ट, चलो. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन.
A firm's decision to reduce its expenditure on advertising is most likely to have the following impact on its demand curve. बहुत मैंने इतना टाइम क्यों दिया, 25 seconds मैंने बहुत ज्यादा टाइम दे दिया एक्चुअली. A firm's decision to reduce its expenditure on advertising. खाली 5 लोगों ने फिर से, ये 5 लोग कौन है जो ये बार बार सही आंसर करें, कौन है ये 5 लोग? वापस से ओनली 5 पीपल आंसरिंग द करेक्ट क्वेश्चन. द कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट एंड बिकम मोर इलास्टिक. एकदम ऑपोजिट, अरे बस ऑपोजिट कर दिया. एडवर्टाइजिंग का 2 मेन इम्पैक्ट होता है, शिफ्टिंग द डिमांड कर्व टू द राइट एंड मेकिंग द कर्व इन इलास्टिक. अगर आप एडवर्टाइजिंग कम करोगे तो पूरा ऑपोजिट इफेक्ट आ जाएगा उसका. इतना सिंपल है. चलो देखते हैं, महक के फेस पे बहुत बड़ी स्माइल है, उसको लग रहा है उसने फास्ट आंसर किया है. देखते हैं देखते हैं. ओ इस बार आई थिंक क्षितिज है. देखो क्षितिज, अगर पहले ही बोल देती मैं तो तुम फर्स्ट फास्ट करते. वेरी गुड क्षितिज, वेरी गुड. देखो दोनों का डिफरेंस देखो 1000 से कम हो गया है. ऐसे ही मेंटेन करो क्षितिज. एंड वी हैव डॉक्टर सेंटरपीड एकदम नीचे, जो लीडर बोर्ड के बाहर है वो लीडर बोर्ड के बाहर ही है अभी भी. मुस्कान इज अगेन, मुस्कान आ जाओ ऊपर आ जाओ. आयुष, अक्षत, रुचिता, एवरीवन. सो क्षितिज कांग्रेचुलेशंस. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला, तो बहुत इजी था. चलो 6th question. द डिमांड फॉर एग गुड एग्स हैज अ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ -1 व्हेयरएज सप्लाई हैज अ पॉजिटिव स्लोप. इफ द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इम्पोज अ टैक्स ऑफ 10 per unit on X, this would, 20 seconds to go. अरे आंसर भी कर दिया किसी ने, सही है. Time's up. आ जाओ, time's up. So, okay, वाप ओके. खाली 3 लोगों ने सही आंसर किया, खाली 3 लोगों ने. लेट्स सी, इसीलिए मैंने सारा एमसीक्यू डाला है. एंड जब मैं लास्ट में बोलूंगी ना कि मैं ये एमसीक्यू कहाँ से बनाया तो सब हंसोगे. रुक जाओ. शिफ्ट द सप्लाई कर्व फॉर एक्स अप टू अप बाय 10 एंड इंक्रीज द प्राइस बाय लेस देन 10. टैक्स इम्पोज पर यूनिट जब गवर्नमेंट करता है तो उसे फॉर्म का क्या होता है, कॉस्ट इंक्रीज. फॉर्म का कॉस्ट इंक्रीज बाय 10, यस और नो? तो सप्लाई कर्व शिफ्ट अप बाय 10, बट प्राइस विल नॉट इंक्रीज. प्राइस विल नॉट इंक्रीज बाय 10, क्यों? क्योंकि उसका टैक्स का इफेक्ट कंज्यूमर एंड फॉर्म दोनों पे आएगा, इसीलिए प्राइस विल इंक्रीज बाय लेस देन 10. ये सारा कॉन्सेप्ट कितने अच्छे से मैंने क्लास में इतनी बारी बताया है. Still only 3 people answering correct. Not expected. This was not expected. And मैंने जानबूझ के purposely I have given these questions जो मैंने live classes में समझाया है बहुत अच्छे से. This was the doubt of, I don't know, किसी का doubt था ऐसे tax के question में. If you all remember, क्षितिज, रुचिता, मुस्कान जो live class attend करते हो, ये किसी का doubt था इसमें tax का. मैंने समझाया था tax का effect पूरा. Let's see किसने किया है. नाक कटवा रहे हो आज मेरा सबके सब. त्रिशा नहीं, क्षितिज. क्षितिज इज आंसरिंग फास्ट, वेरी गुड क्षितिज. क्षितिज, त्रिशा एंड रुचिता तीनों ने, एंड तीनों लाइव क्लास अटेंड करते हैं. वेरी गुड क्षितिज, वेरी प्राउड ऑफ यू. वेरी गुड त्रिशा, रुचिता, वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू. सीरियसली, जेन्युइनली दिस वॉज नॉट अ ईजी क्वेश्चन, बट मैंने क्लास में समझाया था. वेरी प्राउड ऑफ यू 3, वेरी प्राउड. चलो मुस्कान, अरे थोड़ा ऊपर आओ. डॉक्टर सेंटरपीड अभी भी वही है. ये नीचे का तो चेंज हो ही नहीं रहा, ये नीचे वाला चेंज हो ही नहीं रहा. एंड ईशा तो है ही नहीं लीडर बोर्ड में, शी इज वेरी प्राउड ऑफ इट कि वो नहीं है लीडर बोर्ड में. चलो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th question. अभी तो डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ है. द मेन कैटेगरीज ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज आ रहा था. बहुत ईजी क्वेश्चन आ गया इसका, जो 20 seconds बिना मतलब का दिया मैंने. आंसर भी कर दिया सबने. चलो
दी मेरा ये चेंज ही नहीं हो रहा है क्वेश्चन। तुम्हारी नेटवर्क में प्रॉब्लम है, फिर से उसको वो करो मुस्कान, थोड़ा रिफ्रेश करने का ट्राई करो, ट्राई टू लॉग इन अगेन। वरना सबके, आई डोंट थिंक सबके में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक मुस्कान ने खाली आंसर नहीं किया। वी हैव 10 पीपल आंसरिंग द क्वेश्चन। मेरा भी स्क्रीन लॉक हो गया था, मतलब जब आप डिस्कस कर रहे थे तो स्टार्ट करने पे फिर वो लोड करने लग गया, तो उसमें टाइम मतलब। एक बार देखो, मे बी कोई नेटवर्क इशू हो रहा है तुम लोग के एंड से, क्योंकि मेरे एंड से एवरीथिंग फाइन। चलो, सो नेचुरल रिसोर्सेज, लेबर एंड कैपिटल, ये जो चार लोग हैं, ये चार लोग ये आए हैं टाइम पास करने के लिए। इनको नींद आ रहा है, बट ये बस क्विज है तो बस आ गए, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन अगर आप नहीं, मनी कहाँ से आ गया भाई? दो लोग, ये कौन दो लोग हैं? प्लीज टू बी वेरी ऑनेस्टली लिख दो चैट बॉक्स में, एक बार हैंड रेस कर दो, कौन ये मनी? बाकी दोनों मुझे समझ में आ रहे, फैक्ट्रीज का, ये मनी वाला कौन इंसान है? ये मनी वाला इंसान बहुत सही इंसान है, दो ये दो लोग, मनी इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सही इंसान है ये। कौन है? हर्षिका, तुमने किया है ना मनी? नहीं, बट ठीक है, मैं तो सामने काफी जेन्युइन लोगो एक्चुअली मनी। ओके, सो अगेन वी हैव फास्टेस्ट, अनुश्री ने किया आई थिंक दिस टाइम। ओ आयुष, वाह, ये देखो आयुष कितना ऊपर आ गया, डॉक्टर सेंटरपीट भी ऊपर आ गई। सो आयुष वेरी गुड, वेरी गुड। अभी भी बहुत क्वेश्चंस, अगर तुम ऐसे ही फास्टेस्ट मेंटेन करते रहा तो तुम आ सकते हैं टॉप में। वेरी गुड आयुष। सो वी अगेन हैव महक, अनुश्री एंड क्षितिज। क्षितिज नीचे आ गया वापस। आयुष यू कैन डू इट, यू कैन कम एट टॉप। मुस्कान इज इट फाइन? एक बार हैंड रेज दिखा। ओके चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई बात नहीं, एट्थ क्वेश्चन है, अभी तो बहुत टाइम है। चलो, द सोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक टू द इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ डिसाइडिंग विच गुड्स टू प्रोड्यूस रिक्वायर्स। इसमें ऑप्शन फोर तो पता ही नहीं होगा यार। तीन ऑप्शंस हैं आपके पास, चॉइस बिटवीन, अच्छा टाइम्स अप, देखो किसने सही आंसर किया, एवरीवन हैज वोटेड फर्स्ट। ओ चलो, ये अभी भी कोई एक जन अभी भी है, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मार्केट प्रोसेस, कौन ये? मे बी इसने ऐसे ही कुछ भी किया है, इसने जानबूझ के मेरे को तंग करने के लिए ऐसे किया है। चॉइस बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ द कंज्यूमर गुड एंड सैक्रिफाइस ऑफ द ऑल्टरनेटिव, क्योंकि बाकी तीन ऑप्शन तो यार कुछ भी नहीं है, बाकी दो ऑप्शन ये इसने, एक ने जो किया है वो ऐसे ही किया एक्चुअली जानबूझ के। लेट्स सी किसने फास्टेस्ट किया है। आई थिंक इट्स रुचिता, नहीं देखो किसने किया है, आयुष। अरे आयुष चलो एक बार अनम्यूट करो जल्दी से। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है, बताओ क्या स्ट्रैटेजी है तुम्हारा, कैसे तुम इतना जल्दी फास्ट कर पा रहे हो दो क्वेश्चंस? दीदी ऐसा कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। नहीं पर बहुत अच्छा आयुष, ऐसे मेंटेन करते रहोगे तो सी तुम लास्ट से एकदम ऊपर आ गए, धीरे धीरे करके टॉप पे पहुंच जाओगे। ठीक है, लेट्स सी, मे बी हो सकता है आयुष जीते आज का क्विज। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन, इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस एंड द कंज्यूमर इनकम राइजेस, द कंबाइन इफेक्ट ऑफ द ऑन द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ एन इंफीरियर गुड इज। 20 सेकेंड्स टू गो। दो लोगों ने आंसर किया अभी तक, टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप। 7 पीपल करेक्टली आंसरिंग, वेरी गुड। दिस वाज इंडीड अ लिटिल डिफिकल्ट क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ इनडिटर्मिनेट ऑन प्राइस बट क्वांटिटी विल फॉल। समझो, कॉस्ट इनफीरियर गुड है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है हम लोग को। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस,
यानी कि सप्लाई हमारा क्योर है, विल शिफ्ट, सप्लाई कर्व शिफ्टिंग अपवर्ड्स, ये क्लियर है, ये क्लियर है, ठीक है. एंड द कंज्यूमर इनकम इज राइजिंग. कंज्यूमर इनकम बढ़ने से इंफीरियर गुड में क्या होता है, डिमांड गिरता है, ठीक है. डिमांड गिरता है, प्राइस क्या होगा, गिरेगा. यहाँ पे सप्लाई क्या हो रहा है, इंक्रीज. बेसिकली सप्लाई का ऊपर शिफ्ट हो रहा है, प्राइस इंक्रीज. तो एक जगह प्राइस इंक्रीज, एक जगह प्राइस डिक्रीज, तो हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते, इनडिटर्मिनेट. एंड क्वांटिटी क्यों फॉल हो रहा है, डिमांड कम होगा, क्वांटिटी कम होगा. सप्लाई कर्व क्योंकि कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, शिफ्टिंग अपवर्ड्स, क्वांटिटी कम होगा, ठीक है. सो वेरी गुड, 7 पीपल ने सही आंसर किया. लेट्स सी किसने फास्टेस्ट किया. एंड दिस टाइम इट इज महक. महक इज बैक इन द गेम, बैक. कैसे कोई और जीत सकते है इतना टाइम से. महक के मन में ये चल रहा था, अभी महक आ गया ऊपर, अभी सबको टफ कंपटीशन है. महक इज वे अहेड, देख लो बस. अनुश्री ही, अनुश्री बीट कर सकती है महक को. सीरियसली मैं थोड़ा हो रही हूँ बायस, बट आई वॉन्ट अ गर्ल टू विन, सो लेट्स सी, ठीक है. ओके चलो, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. जो बोलना है बोलो, बट आई एम अ लिटिल बायस टुवर्ड्स गर्ल्स. चलो, 10th क्वेश्चन. डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इनकम इम्प्लाइज दैट इंडिविजुअल्स आर. अरे बहुत इजी था ये तो, 20 सेकंड्स बेकार में दिया. 10 सेकंड्स टू गो. एंड द करेक्ट आंसर इज, टाइम्स अप, टाइम्स अप. चलो, रिस्क अवर्स. वेरी गुड, वेरी गुड. द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इनकम, इसका मतलब क्या है? ये मैंने एक एग्जाम्पल लेके समझाया था कि इफ आई एम कंपेयरिंग माई सेल्फ विथ मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी 1 लाख कमाता है, मैं 1 लाख कमाती हूँ, किसका यूटिलिटी ज्यादा होगा, मेरा, उसका कम होगा, उसका तो बहुत ही कम होगा, है ना. सो इट इज ऑल अबाउट रिस्क अवर्स, ठीक है. जो पीपल हु आर रिस्क अवर्स, उनके लिए डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इनकम ऑलवेज, व्हाट हैपेंस, इट द मार्जिनल यूटिलिटी एक्चुअली डिमिनिशेस, राइट. सो मूविंग ऑन, जिन्होंने भी बाकी सब किया गलत है ऑब्वियसली. रिस्क सीकर्स एंड रिस्क लविंग आर बोथ द सेम. चलो देखते हैं किसने फास्टेस्ट किया है. एंड वी हैव क्षितिज, वेरी गुड क्षितिज. क्षितिज ने बोला ऐसे कैसे हो सकते हैं कि मैं लाइव क्लास अटेंड करता हूँ, कोई और फास्ट कैसे कर सकते हैं, उसके मन में यही चल रहा है अभी. वेरी गुड, डॉक्टर सेंटरपीट ऊपर आते हुए, अक्षत नीचे जाते हुए. चलो नेक्स्ट आओ, दिस इज आर 11th क्वेश्चन. क्विकली ऑन योर स्क्रीन. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑलवेज 15 सेकेंड्स, जल्दी. अरे आंसर भी कर दिया सबने, वाह वाह वाह. ये तो बहुत इजी था यार, इसके लिए तो मुझे 5 सेकेंड्स देना चाहिए था. कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ द बेस्ट फॉरगॉन ऑल्टरनेटिव. अभी भी पर कुछ लोग हैं, ऐसे दो लोग हैं, ये दो लोग हैं, ये दो लोग रहेंगे हमेशा, जो कॉन्स्टेंट बोलेंगे, जो इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, पता नहीं क्या ही सब बोलेंगे. नेवर माइंड, उस पर हम जाते ही नहीं है इस क्वेश्चन पे. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैंने डाल दिया. वी हैव, इसने आंसर किया है सबसे, क्षितिज अगेन. वेरी गुड क्षितिज. क्षितिज और अनुश्री का ऑलमोस्ट सेम है पॉइंट्स. एंड महक इज स्टिल लीडिंग. लेट्स सी क्या होता है, महक रहता है कि क्षितिज फर्स्ट आ जाते हैं. ओके आयुष फोर्थ आ गया, आयुष इज नाउ ऑन फोर्थ नंबर, रुचिता इज फिफ्थ. लेट्स सी, अक्षत नीचे आ गया. सो द 12th क्वेश्चन इज, If the government chooses to use the resources to build a hospital instead of a school, this illustrates the concept of government chooses to use resources to build a hospital instead of a school. Opportunity cost.
आप ये नहीं बोल सकते दैट इट डिपेंड्स अपॉन द मार्केट सिस्टम या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स. नहीं, गवर्नमेंट दोनों जगह इन्वॉल्व है, चाहे वो हॉस्पिटल बनाए स्कूल बनाए, गवर्नमेंट इन्वॉल्व है. मैक्रो इकोनॉमिक का कोई इधर पे आइडिया नहीं है. द आइडिया इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटल एंड स्कूल. अगर हम कंपेयर करें तो हॉस्पिटल का ज्यादा आएगा, दैट इज वाई वी मेक हॉस्पिटल राइट डिपेंड. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का इधर कोई रिलेशन नहीं है. एंड किसने सबसे आंसर फास्टेस्ट किया है, लेट्स सी, आई थिंक इट्स रुचिता. वेरी गुड रुचिता, वेरी गुड, वेरी 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 गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है, यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं था अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स. चलो, रुचिता इज ऑन द फिफ्थ नंबर. रुचिता, आपके पास अभी काफी टाइम है. यू हैव अप्रोक्सीमेटली 11 क्वेश्चंस, आई थिंक 11 क्वेश्चंस. दूसरा, इफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज एन इंफीरियर गुड, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉज इट्स डिमांड कर्व टू शिफ्ट लेफ्ट. इफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज एन इंफीरियर गुड, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉज इट्स डिमांड कर्व टू शिफ्ट लेफ्ट. 9 पीपल हैव ऑलरेडी आंसर्ड. एन इंक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम. दिस वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन आई गेस, क्योंकि राइज इन प्राइस ऑफ द कार्स का रिलेशन हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से नहीं कर सकते, हम बता नहीं सकते एग्जैक्टली क्या है दोनों का रिलेशन. एन इंक्रीज इन द प्राइज ऑफ पेट्रोल, अगेन इससे सप्लाई में इफेक्ट होगा. एंड येस, प्राइज में इफेक्ट होते हैं, बट दैट्स अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट. एंड देन एंड यहाँ पे, क्योंकि इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कर्व को हमें शिफ्ट टू द लेफ्ट, डिमांड को हमें डिक्रीज कराना है. सो डिमांड डिक्रीज कराने के लिए कंज्यूमर्स इनकम शुड इंक्रीज, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ इंफीरियर गुड. इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द चार्ज, ये बहुत सिंपल था. लेट्स सी किसने फास्टेस्ट किया एक्चुअली, क्योंकि सबने सही आंसर दिया यहाँ पर. सो द फास्टेस्ट इज आई थिंक अगेन महक. यस, इट्स अगेन महक एंड ही इज लीडिंग मोर देन 200, अराउंड 2000 पॉइंट्स ही इज लीडिंग. चलो, वेरी गुड, वेरी गुड. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन. अ कंपनी मेक्स इकोनॉमिक प्रॉफिट ऑफ 10% एंड द रिस्क प्रीमियम इज 5%. इफ द बैंक ऑफर अ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट एट 3%, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द ओनर ऑफ द कंपनी इज व्हाट. सिंपल क्वेश्चन विच आई हैव डिस्कस इन माई लाइव क्लासेस, अगर किसी ने अटेंड किया है तो, जिसने भी. टाइम्स अप एंड द करेक्ट आंसर इज 8%. 3 पीपल हैव करेक्टली आंसर्ड ओनली. पहली बार तो खाली 6 लोगों ने आंसर किया है, जिसमें से 3 लोग गलत हैं, 3 लोग सही हैं. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैल्कुल, अभी इकोनॉमिक प्रॉफिट कंपनी कमा रहे 10% का. अगर वो नहीं ये कमाता तो वो अपना सेविंग्स अकाउंट में रखता पैसा, उस पर 3% कमाता. एंड द रिस्क प्रीमियम ऑफ इन्वेस्टिंग इन एनी ऑफ द प्रोजेक्ट इज 5%. सो 5 + 3 गिव्स यू 8%. एंड आई एम प्रिटी श्योर ये 3 लोग जो हैं ये पक्का वो लोग हैं जिन्होंने मेरा लाइव क्लासेस अटेंड किया, बिकॉज दिस इज एग्जैक्ट क्वेश्चन विच वी डिस्कस्ड. मुस्कान के फेस पे बहुत बड़ा स्माइल है. मुस्कान ने करेक्टली आंसर किया है. आयुष एंड ईशा, ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? मुस्कान ने एकदम फास्टेस्ट आंसर किया. वेरी गुड मुस्कान, वेरी गुड, बिकॉज दिस एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन वी डिस्कस्ड. वेरी गुड मुस्कान. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो, अभी भी महक लीड कर रहे हैं. 16th क्वेश्चन. द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ अ गुड विल फॉल इफ, 4 ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू एंड 15 सेकेंड्स टू गो. 2 लोगों ने आंसर भी कर दिया. एंड टाइम्स अप. द प्राइस ऑफ गुड राइजेस एंड डिमांड फॉर गुड इज प्राइस इलास्टिक. टोटल रेवेन्यू फ्रॉम सेल क्या हो रहा है? डिक्रीज. ठीक है, अब देखो
सब ऑप्शंस को इवैल्यूएट करते हैं. प्राइस ऑफ गुड एक्स इज राइजिंग, इलास्टिक है. अगर इलास्टिक है और प्राइस ऑफ गुड एक्स इज इंक्रीजिंग तो डिमांड तो डिक्रीज होगा, एंड क्योंकि इलास्टिक है तो डिमांड पे ज्यादा वेट डालते हैं हम लोग, क्वांटिटी पे ज्यादा वेट डालते हैं, सो रेवेन्यू विल फॉल. बाकी ऑप्शंस, यहाँ पे इलास्टिक है एंड प्राइस इज राइजिंग, इलास्टिक इनइलास्टिक है एंड प्राइस इज राइजिंग, तो टोटल रेवेन्यू विल इंक्रीज, है ना, क्योंकि इनइलास्टिक जब होता है तब प्राइस पे वेट डालते हैं, जब इलास्टिक होता है तो क्वांटिटी पे वेट डालते हैं. क्लियर ये कॉन्सेप्ट? तो ये आप लोग छह लोग जो हो, अगर आप सबसे पहले तो कंज्यूमर इनकम फॉल एंड द इंफीरियर गुड कहाँ से आया पता नहीं, द कंज्यूमर इनकम फॉल्स एंड द गुड इज एन इंफीरियर गुड. अगर गुड इंफीरियर है एंड इनकम फॉल हो रहा है, सो आपका आप कैसे पर बोल सकते कि टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा? हाउ कैन यू से दिस? नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते. आपका डिमांड कर्व शिफ्ट होता है, ठीक है, बट आप रेवेन्यू के लिए नहीं बोल सकते. सेम गोज फॉर दिस. सो इट डिपेंड्स अपॉन द इलास्टिसिटी एंड इट डिपेंड्स अपॉन द प्राइस मूवमेंट. तभी तो हम बोलते हैं कि इन इलास्टिक अगर हमारा डिमांड कर्व है, प्राइस बढ़ाओगे सो टोटल रेवेन्यू विल इंक्रीज. यहाँ पे हमने डिक्रीज किया. क्लियर? लेट्स सी कौन ये चार लोग हैं जिन्होंने सही आंसर किया है. पूरा कॉन्सेप्ट चेक हो रहा है आप लोगों का, कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है. डॉक्टर सेंटरपीड, हर्षिका, क्षितिज, अनुश्री, महक, खाली ये चार लोगों ने सही आंसर किया एंड क्षितिज इज द फास्टेस्ट. वेरी गुड क्षितिज, वेरी गुड. दिस वॉज अ सिंपल क्वेश्चन एक्चुअली. मूविंग ऑन, सारा कॉन्सेप्ट चेक हो रहा है आपका, कैसा आपका कॉन्सेप्ट है. 17th क्वेश्चन देखो. इफ इन अ मार्केट, इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी, द बेसिक फंक्शन ऑफ द प्राइस मैकेनिज्म इज टू, कुछ ज्यादा ही मैंने टाइम दे दिया आई थिंक इस क्वेश्चन के लिए. वी हैव टू पीपल आंसरिंग इट. 10 seconds टू गो, 10 seconds टू गो. Everyone has voted and the correct answer is provide a means of allocating resources. Free market economy, the basic function of price mechanism. What is price mechanism? Demand and supply equal karna automatically apne aap freely without government intervention to reach in the equilibrium position. Provide a means of allocating the resources. Ensure that all the consumers wants to be satisfied. नहीं, ये नहीं है free market का. This is never a free market का function. Free market में firm and consumer दोनों का weight होता है. We don't only focus on consumers. Enable the government, government तो है ही नहीं. Ensure that all the goods in the society, ensure that all the goods that society needs are produced. ये कैसे हो सकते हैं ना free market? इसके लिए तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन करते हैं ना, ताकि जो गुड्स जरूरी है वो प्रोड्यूस हो पाए. इन अ फ्री मार्केट यू विल नेवर, यू विल जनरली गेट दोज गुड्स विच आर, विच द फर्म्स वांट टू प्रोड्यूस, यहाँ पे उनका प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है. करेक्ट है. सो प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज. लेट्स सी, बहुत बारी एलिमिनेशन इफेक्ट भी काम आता है कि अगर आपको लग रहा है ये तीन ऑप्शन गलत है, जो देख के पूरा पूरा लग रहा है, सो यू गो विद द दिस ऑप्शन. इफ यू फॉलो द एमसीक्यूज, मैंने क्लास में उसे बोला है कि हमेशा एलिमिनेशन वाला टेक्निक यूज किया करो जब एक सही आंसर नहीं समझ में. महक, क्षितिज, मुस्कान, प्रशिष्टा आंसरिंग द क्वेश्चन करेक्टली एंड मुस्कान, वेरी गुड मुस्कान, वेरी गुड, वेरी प्राउड ऑफ यू, वेरी प्राउड ऑफ यू. मुस्कान देखो एकदम नीचे थी एंड शी इज नाउ इन द 5th प्लेस, वेरी हैप्पी. एंड महक अभी भी बीट करे. महक को तोड़ना बहुत डिफिकल्ट एक्चुअली, वो एकदम तैयार होके आया आज की, वो जीत के ही जाएगा. And there is a prize at the end which you will get. Mehak ke face se bahut bada smile aate hue. 18th question, chalo. The problem of scarcity in economics, actually, in economics. 15 seconds to go. Kaafi logon ne answer kar diya, in fact. I think maine zyada hi time de diya, 10 seconds dena chahiye. Doesn't matter, jisne fastest kiya wo jeetega. And times up, everyone has voted. Okay, 9 logon ne khali answer kiya,
एंड माई करेक्ट आंसर इज एग्जिस्ट बिकॉज देर आर इनसफिशियंट रिसोर्सेज टू सैटिस्फाई ह्यूमन वॉन्ट्स. वॉन्ट्स आर हायर, रिसोर्सेज आर वेरी लेस, राइट. ये सारे बाकी मैं अब डिस्कस भी नहीं कर रही बिकॉज दिस वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. लेट्स सी. एंड वी हैव अनुश्री एज द फास्टेस्ट. वेरी गुड अनुश्री, वेरी गुड, वेरी गुड अनुश्री. ऑलमोस्ट सबने सही आंसर किया एंड अनुश्री वॉज द फास्टेस्ट. चलो अनुश्री इन द इज इन द थर्ड पोजिशन बट वी हैव 5-6 questions to go and Anushree, you can beat Mehak and Chitaj. This is question number 19. Good X has a price elasticity of demand minus 1.5. In such circumstances, a per unit sales tax on Good X of 5 will lead to which of the following? This is a little difficult question. 25 seconds to go. तीन लोगों ने आंसर भी कर दिया. वाह चलो छह लोगों ने आंसर कर दिया. ओके सो चार लोगों ने खाली सही आंसर किया है. अ राइज इन द प्राइस चार्ज्ड टू कंज्यूमर और इज लेस देन 5. सो बेसिकली क्या है देखो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी है माइनस 1.5. सो बेसिकली इट्स इलास्टिक एंड per unit sales tax is increasing is of 5 which has been charged. So, sabse pehle to hume khali ek cheez ka dhyan dena hai that the demand curve is elastic. So, jab demand curve elastic hota hai, to yahan pe main hum log consumer ka jab baat karein, a rise in the price charged to the consumer is less than 5. To consumer pe jo effect aega, firstly, dono pe effect aega. Theek hai? कंज्यूमर पे एंड ऑन द फर्म. यहाँ पे इलास्टिक है डिमांड का तो कंज्यूमर पे लेस इफेक्ट आएगा. कंज्यूमर पे लेस इफेक्ट आएगा क्यों? क्योंकि प्राइस, क्योंकि डिमांड कर्व क्या है? इलास्टिक है. ठीक है क्लियर है ये कॉन्सेप्ट. मूविंग ऑन लेट्स सी किसने सही आंसर किया. खाली चार लोगों ने एंड द करेक्ट आंसर इज करेक्ट आंसर क्षितिज रुचिता त्रिशा निशा. ये चार लोगों ने वेरी गुड. ईशा ईशा वो सिंह मैंने तो पढ़ा ही नहीं है अभी देखो सही आंसर करिए सारा. एंड क्षितिज इज द फास्टेस्ट. ही इज इन द सेकंड पोजीशन. लेट्स सी वो बीट कर पाते हैं कि नहीं महक को. एंड ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. लीडर बोर्ड का पोजिशन चेंज नहीं हो रहा ना. अच्छा नहीं लग रहा है एकदम भी. पोजिशन थोड़ा चेंज करो भी. दिस इज द 20th क्वेश्चन. Quickly, if an 8% increase in the price of good X results in 4% fall in the quantity of good X demanded, then the approximate price elasticity of demand for good X is. And times up. Chalo, I think ek ya do logon ne answer nahi kiya. If an 8% rise in the price of good X, to price mein hamara 8% ka increase hai and quantity mein 4% ka decrease hai. So elasticity of demand kya hoga? Minus 0.5. Kaise? 4% by 8%. Simple. Isme maine first of all 30 seconds nahi dena chahiye tha. This was very simple. 4% by 8%. कि कौन है दो लोग कौन है पता नहीं जिसने 8/4 किया. वेरी बैड, वेरी वेरी बैड. एंड फास्टेस्ट किया है क्षितिज ने. गलत किया इधर आयुष ने. फास्टेस्ट किया. वेरी गुड आयुष. देखा मैंने बोला था आयुष एकदम नीचे था. अभी वो फोर्थ नंबर पे. एंड स्टिल यू हैव 4 क्वेश्चंस टू गो. सो यू कैन बीट आयुष. यू कैन कम इन द फर्स्ट 3.
if the income elasticity of demand is 2, a rise in all consumer disposable income from 50 to 52 will increase the quantity by. Time's up, and the correct answer is 4%. Khali, correct answer is 8%, sorry, and khali 9 logo ne, kisi ne answer nahi kiya. Kisi ne sahi answer nahi kiya. Price elasticity is 2, a rise in all the consumer disposable income by D, disposable income, may increase hai from 50 to 52, the quantity will increase by 8%. Let's see, किसी ने नहीं किया, इनफैक्ट सबने गलत किया, तो इसमें किसी को भी मार्क्स नहीं मिलेगा. लेट्स मूव ऑन, लीडर बोर्ड चेंज नहीं हुआ हमारा. मूविंग ऑन टू द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन. नहीं, अभी हमारे 3 क्वेश्चन और बाकी बचे हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कॉज अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व ऑफ गुड एक्स. विल नॉट कॉज अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व. Not cause a shift in the demand curve. Again, everyone has answered. Very good. Not cause a shift in the demand curve. A change in the price. Price ke wajah se there will be a movement upside or downside. There will be no shift. Ye 3 logo ne galat answer kiya. Tastes, income, and price change in other goods will lead to shift in the demand curve, either left or right. So let's see. Mehak has answered. Mehak, again, very good. Mehak, very good, very good. And hamare leaderboard mein, this is the position which is not changing. Wahi position pe aa ja rahe hain Mehak, Anushree, Kshitij. लास्ट 2 क्वेश्चन, लेट्स सी, अभी भी टाइम है. अनुश्री बीट कर सकती है. चलो मूविंग टू द नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन. मेरा लॉग आउट हो गया है. ठीक है, मैं वेट करूं क्विकली. मुझे थम्स अप दिखा देना प्लीज क्विकली. So the next question is, second last question is, if a maximum price of good X is fixed above the market equilibrium price, there will be 4 option aapke paas. Quickly. Kisi ne answer bhi, oh, very good. Maine zyada time de diya, I guess. Maximum price of good X is fixed. Maximum price is fixed above the market equilibrium. Again, we discussed this question in class. Maximum price, agar hum upar rakh rahe market equilibrium hai, uski upar aap maximum price rakho. Aap minimum nahi rakh rahe ho, maximum rakh rahe ho. To uski niche to price ja hi sakta hai? Yes or no? No tendency for the market price of good X to change. Iska kya matlab hai? Agar aapka equilibrium price hai, जिस पे अभी आपका करंट प्राइस है, आप मैक्सिमम उसके ऊपर दे रहे हो. प्राइस सीलिंग आपका ऊपर है, नीचे नहीं है. क्यों प्राइस चेंज होगा? क्यों चेंज होगा? एन एक्सेस सप्लाई क्यों होगा? एन एक्सेस डिमांड क्यों होगा? ये सब चीज आपका इक्विलिब्रियम प्राइस तो अभी चल रहा है मार्केट में. आपने मैक्सिमम प्राइस अगर ऊपर रखा भी तो कोई चेंज क्यों होगा? नो टेंडेंसी फॉर द मार्केट प्राइस टू चेंज. लेट्स सी. Again, this question was discussed in class. 4 logon ne, Kshitij, Anushree, Mehak, Prashishta ne answer sahi kiya hai, and Kshitij is the fastest. Very good, Kshitij. Very good, Mehak is leading, and thoda kam chance hai actually last question mein points lana, but agar Mehak sabse, agar Kshitij ekdam fast karte ho, to Mehak ko beat kar sakte ho. Let's see. Chalo. Last question. For the day, wheat is an essential input in the production of pasta. An increase in the price of wheat would have an impact on the demand and supply of pasta by shifting what is here?
increase in the wheat price of wheat, and सबने आंसर किया है, सो एवरीवन हैज वोटेड. द करेक्ट आंसर इज सप्लाई कर्व. सबसे पहली बात तो एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर का प्राइस इज इंक्रीजिंग, तो डिमांड पे कुछ असर नहीं पड़ेगा, बट योर सप्लाई कर्व विल शिफ्ट अपवर्ड्स और इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट. वेरी गुड. ये छह लोग जिन्होंने गलत आंसर किया है, अब क्या सोच रहे हो, डिमांड पे तो पहली बात कुछ असर होगा ही नहीं. राइट क्यों होगा, ऊपर शिफ्ट होगा ना, इट इज इंक्रीजिंग, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग. लेट्स सी किसने फास्ट किया, एंड दिस इज ऑब्वियसली द डिसाइडिंग राउंड. रुचिता, अनुश्री, क्षितिज एंड महक करेक्टली आंसर्ड, एंड रुचिता ने सबसे फास्ट आंसर किया. वेरी गुड, एंड महक इज द विनर. वेरी गुड महक, वेरी 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 गुड. You can just unmute yourself and you can just say ki what was your strategy, did you revise the 5 chapters aur aapne bahut acche se padha hai, aap itne fast almost har questions mein kaise the. Just 1 minute aapko time milega, apna award aapko jaate hai to aapko kya bolna hai. Maine second chapter to padha nahi tha, uska ek bhi question nahi aaya. Are ye dekho bas isko luck bolte hain, second question padha nahi aur usse ek bhi question nahi aaya. Chalo isko luck bolte hain. Aur batao. बाकी 3-4-5 अच्छे से पढ़ा था. फर्स्ट तो मतलब नॉर्मल है, फर्स्ट चैप्टर तो नॉर्मल है. सेकंड क्वेश्चन, सेकंड चैप्टर ऐसे ही मैंने नहीं दिया बिकॉज़ वो मैक्रो था, तो वो मैक्रो में ही जाएगा पूरा. बट यस महक, वेरी गुड, वेरी हैप्पी फॉर यू, वेरी 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 हैप्पी. जो ईशा, मिस्टर डॉक्टर सेंटरपीड एंड त्रिशा जो भी नीचे है ना, डोंट टेक इट एज अ सेटबैक, टेक इट एज अ लेसन कि आप लोग अभी कहाँ हो. क्वेश्चंस आर These all the questions were very important. ऐसा कुछ भी नहीं था कि हम कुछ एकदम ही यूनिक कर रहे थे. So, okay, that is it for today. I hope you all enjoyed the quiz and you all know where do you stand, कहाँ पे आपका concepts lack हो रहे हैं, कहाँ आपको work on करना है. Because trust me, आपका जो वो 34 marks, 32 marks जो आता है पूरे MCQ में, that is the decider. वहाँ आप लोग CB2 में मार्क्स सबसे ज्यादा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं ना, वहाँ पे स्कोर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है. आपके जो रेस्ट 10-12 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, 2-10 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं, बाकी सारे 4-6 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, वो वहाँ पे स्कोर करना ट्रस्ट मी थोड़ा डिफिकल्ट होता है. आपके MCQs में ही है ऐसा जगह जहाँ पे आप स्कोर कर सकते हो, एंड फुल भी आते हैं बहुत जनों का MCQ में, ट्रस्ट में. सो यस, कभी कभी एलिमिनेशन मेथड भी करना पड़ता है कि ये तीन ऑप्शन नहीं होगा तो फोर्थ ऑप्शन होगा. नाउ यू ऑल नो वेयर यू ऑल स्टैंड. वी विल हैव वन मोर क्विज नेक्स्ट वीक एंड आई विल लेट यू नो मे बी नेक्स्ट 3 चैप्टर्स का होगा. एंड सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग. डू नॉट फील सैड इफ आपने नहीं जीता, या फिर आप कंप्लेसेंट मत होना अगर आप जीत रहे हो, अगर आपका अच्छा स्कोर आ रहा है. दिस इज जस्ट द फर्स्ट क्विज, वी विल बी ऑब्वियसली कंडक्टिंग फॉर ऑल द चैप्टर्स. ठीक है, आई होप यू ऑल एंजॉयड द क्विज एंड सब लोग एक स्माइल दे दो मेरे को. ओके, ग्रेट. सो सी यू ऑल सून, ऐसे पढ़ते रहो एंड इफ यू ऑल हैव एनी क्वेश्चंस यू ऑल कैन पिंग मी. ओके, बाय. आई होप यू ऑल एंजॉय. गुड नाइट.